नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पब्लिक साथ भास्कर पोखरियाल। रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा पर भरोसा जताया और उनको चुनाव मैदान में उतारा है। शिव अरोड़ा का जनसंपर्क भी दिनों दिन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। मातृशक्ति भी उनके प्रचार में तेजी से उत्साह के साथ जुटी है। शीतलहर तराई में लगातार चल रही है, लेकिन शीतलहर और सर्द हवाओं के बीच भी महिलाओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। वह अपने भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा को विजय दिलाने के लिए घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान महिलाएं कोविड 19 के नियमों का भी पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन महिला और मातृशक्ति का पूरा सहयोग भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा को मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक दैनिक भास्कर के साथ। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव अरोड़ा के प्रचार में आप हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से राजकुमार ठुकराल का दो बार विधायक के बाद टिकट कटा है, तो क्या शिव अरोड़ा जी की जीत के लिए जो आप सर्द हवाओं में निकली हैं, क्या माहौल लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इस बार शिव अरोड़ा जी जरूर जीतेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। इस बार राजकुमार जी से टक्कर है, लेकिन शिव अरोड़ा जी बहुत ही कर्मठ जुझारू इंसान है, इसलिए हम लोग हृदय से उनका स्वागत करते हैं और उनको लाना चाहते हैं। इस बार शिव अरोड़ा जी आएंगे, 1 2 3 4 शिव अरोड़ा अबकी बार। हमारा नेता कैसा हो, शिव अरोड़ा जैसा हो। शिव अरोड़ा जी के आने से बहुत सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी, इसलिए हम हृदय से चाहते हैं कि शिव अरोड़ा जी हमारे नेता हो। 1 2 3 4 अबकी बार शिव अरोड़ा। ये कि भाजपा की जो लहर की बात चल रही है और सर्द हवाओं के बीच में आप लोग सुबह से प्रचार में लगे, आपको क्या लगता है कि रुद्रपुर विधानसभा सीट पर इस बार शिव अरोड़ा फतेह करेंगे? 101% करेंगे जी। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों को इतना समर्थन मिल रहा है, सभी लोग चाह रहे हैं कि शिव अरोड़ा जी इस बार विधायक यहाँ से चुन करके जाएं और जो शहर के विकास के मुद्दे हैं वो उसके लिए संघर्ष करें और जनता को उपहार स्वरूप जितना विकास कार्य वो कर सकते हैं। सबको पूरी उम्मीद है कि शिव अरोड़ा जी इस शहर का पूरा विकास पे अपना ध्यान लगाएंगे और बहुत ही जनता की सेवा में अग्रणी होकर के काम करेंगे।